गाइस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, अच्छे रहना। तो आ चुका हूँ मैं अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट में घर बनाएंगे सर्वाइवल मोड में। पिछली बार देखा पड़ा, अब हमने नया वर्ल्ड क्रिएट किया तो उसमें सही से बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये ब्लैक स्टेयर्स है, 14 SM में, मतलब लेंथ ब्रेथ होती तो लेंथ में 14 लगाएंगे अपन और ब्रेथ में 27। ये गलत लग रहा है, पता है मेरे से बार बार। धीरे धीरे गेम प्ले सुधरेगा, अभी मेरे को अच्छे से खेलते नहीं आता। आगे चलते हैं, चलो आ जाओ। तो ये घर होने वाला अपना पॉलिश डोराइट्स का, ये गिनना ही पड़ेगा मुझे देखते हुए। मेरे को पहले आउटलाइंस कर लेनी थी यार। 1 2 3 4 5 6 6 हो चुकी हैं ब्लैक स्टेयर्स। 6 बस और कुछ, 6 7 8 9 और ये 10 10 11 12।27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 27 28 29 ब्लॉक ही लग गए। चलो आगे को बनाया यहाँ से, फिर ये पूरा चारों तरफ लगाएंगे। 1 2 तो ये 14 है। मैं काउंट, ये तो काउंट किया हुआ था, बस मैंने ये यहाँ पर आउटलाइन मार्क नहीं करी थी। जो मैं गलती हो गई, 27 के लिए मेरे को मार्क कर लेना, 14 तो कम से 14 दिन हो जाते हैं आराम से। और 27 बहुत ज़्यादा होते हैं तो गिनने में टाइम लग जाता है, तो टाइम लगा ही, पर कोई कोई बात नहीं, आखिर हमने कर ही लिया। फिर हम इसके बाद पॉलिश डोराइट लगाएंगे अंदर, 2 फ्लोर का घर बनेगा। 4-5 पार्ट हो सकते हैं इस वीडियो के, ज़्यादा 3-4, ज़्यादा नहीं। पिछली वीडियो में मैंने 7-8 पार्ट्स बता दिए, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं दोबारा से बनाने बैठा था वीडियो, तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, इतना मुझे भी नहीं बोलना था। फिर भी देखते हैं कितने पार्ट्स लगते हैं। F E ये यहाँ का टूट गया, ये लगाना जरूरी है वरना घर घर दिखाते समय गिर जाऊंगा। तो ये चारों साइड लग गया है, और अपने को डोराइट्स लगाने हैं, अपन शुरू करते हैं डोराइट लगाना। एक ही लेयर लगेगी डोराइट की पूरी, ज़्यादा लेयर नहीं करेंगे। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए तो मैं कुछ पार्ट्स कट भी कर दूँगा, बहुत कट करूँगा थोड़ा, इससे ज़्यादा लंबी ना हो। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।
फिर भी अगर 20 मिनट से ज़्यादा की होती, 21-22 मिनट तक की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं पार्ट्स कट कर दूँगा, पार्ट्स कट करने में कुछ नहीं होता, आई विल कट, उससे ज़्यादा क्या। चलो चलो लगा लेता हूँ, मेरे को लग रहा है ये डोराइट्स लगाने की वीडियो कट कर देता हूँ, तो मैं इसको कट कर दूँगा। बन गया घर, बहुत अच्छा घर बना है, इसी में सो जाऊंगा मैं, यहीं पर बिस्तर डालते हैं, रात को ही सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रात को ही तो क्या हुआ, मजाक कर रहा था, बनाएंगे अपन पूरा घर बनाएंगे, वो रहने में रात अपना क्या है, रात दिन सब होगा, अपन सब बनाएंगे घर, तब भी अपन तो पूरा घर बना के मानेंगे, आज एक फ्लोर बनाएंगे, 2 फ्लोर का घर बन रहा है अपने, ये देखो ऐसा दिख रहा है अभी दूर से, इतना सा बनने पे तैयार है, पेड़ को तोड़ो थोड़ा, थोड़ा सा पेड़ को तोड़ता हूँ जिससे मेरा घर बराबर दिखे, टूट टूट तो बहुत सारा टूट चुका है हमारा पेड़। चलो अब अपने घर तो दे, घर का ये अभी इतना बचा है जो ऊपर अटक रहा है, ये ठीक है, अब शुरू करते हैं, चलो आ जाओ, इस साइड से शुरू करूँ किस साइड से करूँ, चलो इसी साइड से कर देते हैं, वो देखो कितना मस्त लग रहा है, मैं आपको वहाँ का सीन दिखा के आता हूँ, रात में तो और मस्त लगता है वहाँ देखने में, इतना मस्त लग रहा है ना यहाँ, क्या ही मस्त सीन है यहाँ का, इधर इधर ये देखो, तो क्या मस्त सीन लग रहा है ना गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट कर देते ना आपको कैसा लग रहा है, चलो अब शुरू हो जाए, नीचे चलो आगे जाओ, अब हम स्टोन ब्रिक्स लगाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, अब नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पर क्या करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 और छत पे भी लगाना है, उड़ जा भैया, थोड़ा समझो, 3, 4, 5 4, तो बुरा हो गया अपनी स्पेसिंग, 5 ब्लॉक की स्पेस छोड़नी, मैं बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते चलेंगे, फिर बाद में तोड़ देंगे, अरे यार ये क्या हो गया मेरे से, अरे बार बार गड़बड़ हो गई, 2, 3, 4 और ये 5, फिर नीचे आओ, 1, 2, 3, 4, 5 छठ पे मेरे को बनाना है क्या है, चला दो ना, अरे यार चलो उड़ जाता है पर बड़ी मुश्किल से होता है मेरे को, 4, अरे 5 हो गया ना भैया, ज़्यादा ही हो गया, नीचे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 5 नेक्स्ट, 2, 3, 4, 5 छठ में, 1, 2, 3 कुछ 4, 5 मैं एक बार एक तो ज्यादा ही कर देता हूँ, लो चलो नीचे 1, 2, 3
5 6 बन गए। चलो इन सबको तोड़ दें, ये सब टूटा। सारा पेंडेंट संयम चलो इसके एकदम सामने यहाँ बनना। शायद सुबह नहीं हुई अभी, तो उसी के सामने बनाना है। तो पहले उधर से किनारे किनारे पे बना लेता हूँ। तीन चार ज्यादा जाएगा नीचे, वापस वहाँ जाता हूँ एकदम बराबरी पे। ठीक है, ऐसा कैसा वापस आऊँ इससे, देखना मैं कैसे हिसाब लगाता हूँ। ये इस पर एकदम घुस गए, आना मिड पे। देखो मैं आ गया ऐसा कैसा, ये इधर बनाना है। पहले सुखी हुआ इधर 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 जाएगी, एक बार ही मारा भक्ति डर गई। तीन एक और बचा, मैं सही चीज बताऊं तो मैंने कुछ एक गलती कर दी। मैंने एक एक ब्लॉक कम लगाया, ऐसा पैसा इधर चलो यहाँ पर भी गिनता हूँ कितने ब्लॉक लगे। 1 2 3 4 5 कुछ इस पे एक ऐड करना है, इस पे दो करने पड़ेंगे, दो इसमें एक करना है, इसमें भी एक करना है। ये क्या हुआ भैया, इसमें भी एक, नहीं ये दोनों सही है लास्ट वाले। तो ऐसा बन गया है ना, ये मक्खी मान नहीं रही है, इसको मेरे को लग रहा है इसका मर्डर करना पड़ेगा मुझे। आए चल तो ऐसे नहीं मानेगी, तेरा जब तक मर्डर नहीं होगा इसका मर्डर कर देना नमाज में। ये इसका मर्डर होने वाला है बस कुछ दिन, आखिर इसका मर्डर हो गया।
ठीक है, अब अपन क्या करेंगे आगे बताता हूँ क्या करेंगे। चलो नीचे आओ, पहले ये लो डोराइट हाथ में, और यहाँ पर मेरे को डोराइट लगाने समझे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये चल रहा है ऐसे बनाने में, मेरे को लग रहा था मुझे पॉलिश डोराइट लेना चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताना कि मेरे को लेना चाहिए था ना पॉलिश वाले, तो मैं एक बार आपको पॉलिश भी लगा के दिखा दूंगा लास्ट वीडियो के एंड में, तो आप मुझे बता देना कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है पॉलिश के विदाउट पॉलिश डोराइट से। तो जो अच्छे लग रहे होंगे तो नेक्स्ट टाइम उसका घर भी बना देंगे सेम, पर दूसरे किसी वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में नहीं बनाऊंगा अपना, इस वर्ल्ड को बम से किसी चीज़ से मैं तोड़ने भी वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट गेम प्ले भैया माइनक्राफ्ट का, ऐसे तोड़ना कर दूंगा। चलो आ जाओ, एक एक ही साइड बनाते हैं। चलो रिप्लान नहीं था मेरा कुछ इसमें, मैं अभी सब सोच समझ के बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ जितना अच्छा सके उतना अच्छा बनाऊंगा अपना घर, मतलब माइनक्राफ्ट में, ये रियल लाइफ में सोच लेना, अभी 18 साल का भी नहीं हूँ, कहाँ से बनूंगा। चल रहा है वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। एक दिन अपन चैट, जिस दिन मेरे 104,000 वो हो जाएंगे वॉच आर्ट्स, उस दिन सेलिब्रेशन करूँगा मैं, क्योंकि मेरा चैनल उस दिन मोनेटाइज हो जाएगा। अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, और 1,000 सब्सक्राइबर्स तो मोनेटाइजेशन मिल जाएगा मुझे, फिर अपन लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे मोनेटाइजेशन के बाद। मोनेटाइजेशन 4,000 वॉच आर्स के बाद ही मिलेगा, तो अपने को जल्दी शुरू करनी पड़ेगी मोनेट। तो अपन क्या करेंगे, अपन जल्दी जल्दी 4,000 से 5,500 सब्सक्राइबर्स का ट्राई करेंगे, और फिर लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे माइनक्राफ्ट की। अभी पबजी इंडिया तो है नहीं, वरना पबजी खेलते अपन, ठीक है। चलो कोई नहीं, मत तोड़ो भी, अब उड़ गया, ऊबड़ खाबड़ जगह पे नहीं उड़ता, वो भी बोलता है मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक इज्जत है, बेइज्जती हो जाएगी माइनक्राफ्ट में इसकी भी, इसकी भी इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा अब से अपने को। अब कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे आपके भी कोई इज्जत है, तो मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं बेइज्जत इंसान, ठीक है, क्योंकि मेरे पुराने चैनल मेरे साथ हो चुका है, वो मोनेटाइज नहीं था, मैंने बंद कर दिया, वो मेरा मैथ से रिलेटेड चैनल था। क्या करता था उसमें मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मैथ्स पढ़ता था उसी समय 6th क्लास की, और दूसरे जो चैप्टर पढ़ता था उसकी वीडियो बना देता था। उसमें मेरे थे 100-200 सब्सक्राइबर, बट मेरा मन नहीं लगा उस पर, पढ़ाई भी छूट रही थी, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती थी मेरे को, पर अभी गेम्स कर 3-4 घंटे में वेस्ट ही करता हूँ 9th स्टैंडर्ड में, तो मैंने सोचा चलो 3-4 घंटे जो वेस्ट करता हूँ यूट्यूब पे अपना टाइम वो करता हूँ, टाइम यूटिलाइजेशन यूट्यूब पे कर रहा हूँ मैं, वो 3-4 घंटे का जो फ्री रहता हूँ उसका, किसी किसी दिन फ्री नहीं होता हूँ इसलिए वीडियो भी नहीं आ पाती है, तो मैं रोज ही फ्री नहीं रहता हूँ, कभी कभी रहता हूँ और कभी कभी वीडियो भी बनाता हूँ।
रोज ही मेरे पास टाइम नहीं, तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ रोज़ वीडियो अपलोड ना करने के लिए। अब सौरभ जोशी ब्लॉग्स को आप बोलेंगे वो रोज़ करता है, डायनामो भाई करते हैं अपने, अल्फा क्लेज लाइव इंसान, दे आर ग्रेजुएटेड, आई एम नॉट ग्रेजुएटेड एक्चुअली, आपको बताया मैंने अभी, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, इस हिसाब से मुझे पढ़ना भी ज़रूरी है मेरा, वो थोड़ी थोड़ा बहुत इसलिए मैंने किया। एग्ज़ाम्स के टाइम में बिल्कुल भी वीडियो नहीं डालूँगा, स्कूल खुल जाएंगे तो महीने में 3-4 वीडियो से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लाइव क्लासेस चलती, जब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो मैं उसमें भी सीरियसली पढ़ता हूँ, क्योंकि 9th है, 8th नहीं, 8th में मौज करी, अब नहीं करेंगे वरना अब मौज करेंगे तो मौज मौज ही रह जाएगी बस। मेरे को लग रहा है एक दीवार और बना लेनी चाहिए मेरे को यहाँ पर, एक दीवार और बना लेता हूँ बस। अभी मेरे को इतने अच्छे से खेलते नहीं आता माइनक्राफ्ट, धीरे धीरे आने लगेगा आपके सपोर्ट से। पबजी इंडिया भी आने वाला है कुछ दिन में, पर 1 जुलाई से वो भी बंद हो जाएगा, पबजी के यार विदाउट बैन हो जाएगा। हाँ मेरे सुन शायद मेरे सुनने में आया, ऐसा पक्का मैं नहीं कह सकता कि बंद ही हो जाएगा, तो चलता रहे तो अच्छा भैया, जो खेलते हैं उनका भी अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पबजी इंडिया भी आता है तो उसमें एज रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए 14 से ऊपर वालों के लिए भाई, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, एज रिस्ट्रिक्शंस के साथ आना चाहिए आए तो। भाई जो गेम आते हैं कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस के साथ आने चाहिए 14 के ऊपर के लिए सब, 14 से नीचे वालों के पास थोड़ी है, सेंस ऑफ ह्यूमर कम होता है इंडिया, वो अपने लिए सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और फिर धीरे धीरे घर पे भी लड़ाई करते हैं उस चीज़ के लिए। मेरा मौसी जी का बेटा है, भाई है, जो वो VPN लगा लगा के समय इतना पबजी खेलता है, क्या बताओ भाई, क्या बोलते हैं, बोलता है गूगल चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, क्या यार है कि यार मैं VPN लगा लेंगे, इंडिया आ रहा है दिक्कत ही नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन जो रहता है आना चाहिए। अभी वो वीडियो देखेगा मुझे गालियाँ देगा, जो भी पबजी लवर होगा छोटा गालियाँ देंगे मुझे, 2 गालियाँ आपकी गाली देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे थॉट्स हैं वो तो मैं बोलूँगा ही। क्या ये गाना, छोरी आजा खेलो था, तेरे अड्डा खेलूँ पबजी, मेरे को नहीं अच्छा लगता। आप बोलोगे आप भी तो वीडियो डालते थे, मेरे को बाद में समझ आया इसलिए मैंने डिलीट किया, जब मैंने एज रिस्ट्रिक्टेड एज देखी ना बच्चों की जो मेरी वीडियो देख रहे थे, तब मुझे समझ आया कि कोई दूसरा गेम की डालनी चाहिए, डाल रहा हूँ तो इसलिए मैंने माइनक्राफ्ट शुरू किया। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या डब्बा डब्बा सा गेम डालना शुरू कर दिया, खेल कर देखो बहुत मस्त गेम है, आपको वैसे देख के अच्छा लग रहा होगा, इसका क्रैक वर्जन मोबाइल के लिए भी है, तो चाहे जो चाहे कर सकते हैं, बट मोबाइल में खेलना सेफ नहीं है, तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जिस फ़ोन में का ज़्यादा यूज़ नहीं होता बैंक डिटेल्स के लिए, उन उसी को यूज़ करें आप माइनक्राफ्ट खेलने के लिए करेक्ट वर्ज़न। छोरी आजा मारे दिखेगा ना, छोरी आजा मारे अड्डा दोनों खेले पबजी, गा के बता रहा था ऐसा। मैं डायनो भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट डायनो भाई का उनका ग्रेजुएशन है, उनको मैंने अपना करियर ढूंढा उस चीज़ पे, वो एक एमुलेटर प्लेयर थे मेरी तरह, मैं भी एक एमुलेटर प्लेयर था,
ऐसा दिख रहा है अपना घर, सनसेट होने वाला है। चलो छत का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाए। ठीक है, मैं छत कंस्ट्रक्शन की भी जैसे मैंने नीचे डोराइट्स लगा रहा है तो वीडियो कट करी थी, तो ये वीडियो भी इतनी में कट करूँगा। तो हमारा घर की छत अब बस बनने वाली है और सुबह होने वाली है, देखते हैं। अरे ये पता नहीं कौन कौन लोग घुस आते हैं घर के अंदर। एक तो ये छत कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अपन चारों साइड ये लगा देंगे। अरे यार मच्छर खून चूस लेगा पूरा, जाने दो अभी तो छोड़ो। जब कांच का शीशा लगा दूंगा ना, जब सबका सिर फूटेगा तब अपन ठिकाने में आएगी। मैं अपने नुकसान किए जा रहा हूँ। देखो उनसे पूछूंगा कैसी लगी मेरी वीडियो। मैंने उनको देख के माइनक्राफ्ट खेलना चालू किया, उनको देख कर नहीं, लाइव इंसान करके यूट्यूबर हैं, तो उनकी वीडियो मैं आज भी रोज देखता हूँ। मैं लाइव नहीं देख पाता हूँ क्योंकि उस समय मेरा पढ़ने का टाइम रहता है। अब बोलोगे छुट्टियों पे कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ साइंस सोशल पढ़ता हूँ, 9th स्टैंडर्ड में हूँ, जिससे मेरे को बाद में कोई दिक्कत ना जाए पढ़ाई, तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ। नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे साइंस तो ठीक है, सोशल कौन पढ़ता है, सोशल मेरा